आज अपना स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग। हमारे कोर्स कंटेंट का ये सबसे लेंथी चैप्टर होगा और सबसे डिफिकल्ट तो नहीं बोलना चाहिए, लेंथ वाइज तो सबसे बड़ा चैप्टर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर आज कैपिटल बजटिंग। ये हमारे कोर्स कंटेंट का जो क्लासेस है उसमें शायद सिक्वेंस में थर्ड चैप्टर है। इससे पहले हम क्लासेस में क्या क्या कवर अप कर चुके हैं, लेवरेज का चैप्टर कवर अप कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। लेवरेज के बाद हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्लीट किया है। ठीक है, थर्ड चैप्टर ही हम कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग। बेटे नंबर ऑफ क्लासेस मैं तुमको गिनकर बताऊँ कितनी होगी और उससे तुमको क्या इम्पोर्टेंट है ये बता दें। नहीं तो मैं बता दू सही, क्या फायदा क्या उसका? सब भी होता है। हाँ जी बच्चे, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं बैच को अटेंड करने के। फर्स्ट ऑप्शन इज सैटरडे संडे, बैच वन। सैटरडे का टाइम लिख सकते हैं बैच वन सैटरडे 11 to 1 एंड संडे 1 to 3। बैच टू सेकेंड नंबर बैच ट्यूजडे थर्सडे 5 to 7। ठीक है, बैच वन सैटरडे संडे, बैच टू ट्यूजडे थर्सडे। तो आज की क्लास के बाद अगर आप चाहें तो बैच वन में शिफ्ट हो सकते हैं सैटरडे संडे। एक नया बैच आप क्रिएट कर सकते हैं सैटरडे थर्सडे। सैटरडे फर्स्ट क्लास चैप्टर की, थर्सडे चैप्टर की सेकेंड क्लास। क्लियर? तो दो बैचेज हैं। बच्चे रिसेप्शन से कैलकुलेटर ला दो प्लीज। दो कैलकुलेटर रखते होंगे दोनों ने। बेटे इस पर्टिकुलर चैप्टर में नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड सबके पास कैलकुलेटर में मैंडेटरी है और उस कैलकुलेटर में एक ऑपरेशन होना चाहिए जीटी। जीटी स्टैंड्स फॉर ग्रैंड टोटल। हमारे दो चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके लिए इस ऑपरेशन को हम मस्ट मानते हैं, जरूरी है। एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर और दूसरा है कैपिटल बजटिंग। जब हम कैपिटल बजटिंग कंप्लीट कर लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 30% टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें कैलकुलेटर नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड सबके लिए मैंडेटरी है क्लास में, जिसमें ऑपरेशन होना चाहिए जीटी ग्रैंड टोटल। ठीक है, इस जीटी का यूज सब कुछ हम बेटे क्लास में समझेंगे। देखो बेटे, इन दोनों ही कैलकुलेटर में जीटी का ऑपरेशन है। इस कैलकुलेटर में यहां पर जीटी है और इस वाले कैलकुलेटर में यहां पर जीटी है, जीटी ग्रैंड टोटल। ये नॉर्मली कुछ कैलकुलेटर ऐसे होते हैं जिसमें ये ऑप्शन नहीं रहता। तो हमें कैपिटल बजटिंग से कुछ कैलकुलेशन सीखनी है जो फर्स्ट क्लास से ही हम सीखना स्टार्ट करेंगे। तो ये जीपी का ऑपरेशन मस्ट है। क्लियर? तो आज हम एक बहुत बड़ा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग। लिखो जी, कैपिटल बजटिंग इज अ कैपिटल बजटिंग इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल बजटिंग इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन विच कैपिटल बजटिंग इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन विच present value of cash inflow present value of
कैश इनफ्लो विल बी कंपेयर विद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इन ऑर्डर टू डिसाइड द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट ऑब्लिक ऑफ द इन्वेस्टमेंट दोबारा से बेटे इस पूरे पैराग्राफ में जहां पर भी वर्ड प्रेजेंट वैल्यू आता है उसको अंडरलाइन कीजिए प्रेजेंट वैल्यू एक ही बार अंडरलाइन कीजिएगा अगर एक से ज्यादा बार आ रहा है अब रीड कीजिए पैराग्राफ को जहां पर प्रेजेंट वैल्यू आता है उसको अंडरलाइन कीजिए जिस भी प्लेस पर कैश इनफ्लो आता है उसे अंडरलाइन कीजिए तो सुने बेटे ये पूरे का पूरा चैप्टर दो बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है वन इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू एंड सेकेंड इज कॉल्ड कैश इनफ्लो अगर हम चैप्टर को बहुत अच्छे तरह समझना चाहते हैं तो इन दो बेसिक कॉन्सेप्ट से चैप्टर स्टार्ट होता है सबसे पहला कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट वैल्यू और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कैश इनफ्लो आप बोर्ड पर देखिएगा कैपिटल बजटिंग की हमने डेफिनेशन लिखवाया क्या हमने कहा ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है जिसके अंदर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को कंपेयर करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से इस पूरी डेफिनेशन को समझने के लिए दो चीज सीखते हैं प्रेजेंट वैल्यू का मीनिंग कैलकुलेशन मे बी पॉसिबल जब मैं कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ डिस्कस तो हो सकता है हम कैलकुलेशन पहले सीखे मीनिंग तो इतना थोड़ा सा इस डिफिकल्ट चैप्टर में आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अपनी चीजों को ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉन्सेप्ट हम पहले सीखे फिर कैलकुलेशन सीखे मे बी पॉसिबल हम अपने सीखने के तरीके को थोड़ा चेंज करें जैसे कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट वैल्यू इसमें होगा क्या पहले हम कैलकुलेशन सीखेंगे उसके बाद कॉन्सेप्ट सीखेंगे या इसका मतलब क्या होता है वो सीखेंगे लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में कॉन्सेप्ट वन प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में लिख लेना पीवी प्रेजेंट वैल्यू ठीक है जी लिखिए नेक्स्ट लाइन में Present value is equal to future value multiplied with present value factor. Present value is equal to future value मल्टीप्लाइड विद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इसको बेटे हम शॉर्ट फॉर्मेट में लिखे तो पीवी इज इक्वल टू एफवी इंटू पीवीएफ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा चैप्टर में बेटे कोई ज्यादा दिमाग में बोझ मत देकर आइए कि हम जल्दी सीख लें कि प्रेजेंट वैल्यू का मतलब फ्यूचर वैल्यू का मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का मतलब धीरे धीरे करके सारी चीजें क्लियर होंगी नेक्स्ट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज इक्वल टू 1/(1+i)^n प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज इक्वल टू 1/(1+i)^n जहां पर I इज रेट ऑफ इंटरेस्ट
एन इज नंबर ऑफ ईयर, आई इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, एम इज नंबर ऑफ ईयर, अब जरा बेटे दो मिनट रुकना, बोर्ड पर देखना, फोकस कीजिए, बाद में नोट कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं फोर इयर्स की, ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, ईयर फोर। हम लोगों को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करना है एट 10%। क्या कैलकुलेट करना है? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितने परसेंट पे? 10% पर। देखो जरा, 1 / 1.10 टू द पावर 1, क्योंकि ये ईयर 1 है, 1 / 1.10 टू द पावर 2, क्योंकि ये ईयर 2 है। अब बेटे मैं एक जंप कर रहा हूं, यहां पर कैलकुलेट करना चाहता हूं, 1 / 1.10 टू द पावर 4, 1 / 1.10 टू द पावर 3, कॉपी कर लीजिए। कॉपी देखो बेटे, ये आंसर आने वाला है 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, ये भी कॉपी कर लीजिए। देखिए बेटे, पीवी फैक्टर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था? 1 / 1 + i / n, यही फार्मूला हम लोगों ने यूज किया, ठीक है। अब इन फैक्टर को कैलकुलेटर की हेल्प से कैसे कैलकुलेट करना है? बच्चे कहते हैं सर ये फैक्टर की टेबल हमें क्वेश्चन में गिवन रहती है। बेटे क्वेश्चन में हर बार गिवन रहती है, कहना कर क्वेश्चन पेपर को कहते हैं सर ये टेबल हमें एग्जामिनेशन हॉल में प्रोवाइड की जाती है। बेटे एग्जामिनेशन हॉल में एक हॉल में 1, 2, 3, 4 टेबल होती हैं और वही सर्कुलेट होती है। अगर एक हॉल में 30 स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी कि 30 टेबल्स वहां पर, तो ये बात सच है कि ये सारी चीजें टेबल से मिलती हैं, बट हमें सिर्फ पूरे का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करना है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप ये वाली फिगर कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेट की जाती है सीख लें। देखें फर्स्ट फैक्टर कैसे निकलेगा कैलकुलेटर से, 1 / 1.10 इक्वल टू फर्स्ट फैक्टर आ गया, बहुत लंबा जोड़ा आएगा, मुझे मिनिमम 3 डेसिमल तक लेना है। क्वेश्चन बोले 4 डेसिमल तक तो 4 लूंगा, नहीं तो क्वेश्चन पूछना बोले तो मुझे मिनिमम 3 डेसिमल तक लेना है। अभी मैंने क्या किया कैलकुलेटर में, दोबारा से देखो 0 लेवल पे लाया, 1 / 1.10 इक्वल टू फर्स्ट ईयर का फैक्टर, कोई ऑपरेशन प्रेस मत करो, इक्वल टू प्रेस करो सेकंड ईयर का फैक्टर, इक्वल टू प्रेस करो थर्ड ईयर का फैक्टर, इक्वल टू फोर्थ ईयर का फैक्टर, सिर्फ इक्वल टू प्रेस करना है, बीच में कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं, ऑटोमेटिकली फैक्टर आते रहेंगे, आगे बढ़ती रहेगी। मैं रिपीट करता हूं, 1 / 1.10 इक्वल टू फर्स्ट ईयर का फैक्टर, इक्वल टू सेकेंड ईयर, इक्वल टू थर्ड ईयर, इक्वल टू फोर्थ ईयर। कुछ कैलकुलेटर इस तरीके के नहीं, इस तरीके के हैं जिसमें जीटी ऑपरेशन है बट वो इक्वल टू से नहीं आ रहे, उन कैलकुलेटर में होगा क्या, 1 / 1.10 इक्वल टू प्रेस करोगे, दो बार इंटू इंटू प्रेस करना पड़ेगा, इंटू इंटू
दो बार इंटू इंटू प्रेस करोगे तब ये मेमोरी में गया, अब इक्वल टू प्रेस करोगे आ जाएगा। दो तरीके की कैलकुलेटर है जिसमें दो बार इंटू प्रेस करना पड़ेगा, एक में नहीं करना पड़ेगा। अब वो आप देखिए आपके पास कौन सा कैलकुलेटर है। नॉर्मली दो कैटेगरी के कैलकुलेटर घूम रहे हैं, मैं एक बोलूंगा एक ब्लैक वाला और एक ये कौन सा कलर है जो भी डिफरेंट अदर देन ब्लैक, ठीक है। तो इनमें ये ध्यान रखिएगा कौन सा कैलकुलेटर आपके पास है, आपको कैलकुलेशन इम्पोर्टेंट है। अब देखना जरा ध्यान से, अगर मुझे टीवी फैक्टर चाहिए बोर्ड पर देखिए 15%, तो मेरा रूल क्या है 1 डिवाइडेड बाय 1.15 टू द पावर 1, 1 डिवाइडेड बाय 1.15 टू द पावर 2, 1 डिवाइडेड बाय 1.15 टू द पावर 3, 1 डिवाइडेड बाय 1.15 टू द पावर 4। ये 4 ईयर के फैक्टर मुझे चाहिए 15% पर। चेक करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल्स टू, जो आया उसको राउंड ऑफ करके लिखना है, ये फिगर आएगी 0.870। इक्वल टू प्रेस करा 0.756, इक्वल टू प्रेस किया 0.658, इक्वल टू 0.572। हम अभी सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन सीख रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन फ्यूचर वैल्यू कुछ नहीं सीखा, सिर्फ कुछ फार्मूले लिख दिए गए हैं अभी हमने बोर्ड पर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे कैलकुलेट होता है इस पर कंसंट्रेट कीजिए। लोडिंग कंप्लीट। अब ये बताओ 20, 30, 40, 15, 16, 17 किसी भी परसेंटेज पर किसी भी ईयर का पीडीएफ निकालेंगे आप। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन एग्जाम्पल एग्जाम्पल कैलकुलेट कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग अमाउंट एट 10% एंड एट 15%। हाँ अमाउंट कौन से है इनको लिख लीजिए, ऐसे लिखिएगा ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री एंड ईयर फोर। यहां अमाउंट लिखिएगा 10,000, 30,000, 20,000, again 10,000। बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। हमने आपको ये क्वेश्चन दिया कि चार अमाउंट गिवन है, इन अमाउंट का क्या कैलकुलेट करके देना है प्रेजेंट वैल्यू कितने परसेंट पे 10 और 15। कैपिटल बजटिंग के थोड़े से रूल समझ लीजिए, जब भी लिखा हो ईयर वन इसको हम रीड करते हैं ईयर वन एंड, ना ही ड्यूरिंग द ईयर ना ही बिगनिंग ऑफ ईयर वन, ईयर वन एंड। तो इस सेम पैटर्न पे ईयर टू का मतलब ईयर टू एंड, ईयर थ्री का मतलब ईयर थ्री एंड। अगर मुझे बिगनिंग ऑफ ईयर वन लिखना है तो मैं लिखूंगा ईयर जीरो, ईयर जीरो का मतलब है बिगनिंग ऑफ ईयर वन, ठीक है। जब भी हम डिनोट करें जीरो पॉइंट ऑफ टाइम, जीरो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है बिगनिंग ऑफ ईयर वन। अगर मैं बोलूं वन ईयर एंड, वन मतलब फर्स्ट ईयर है, टू मतलब सेकेंड ईयर है, तो टाइम पीरियड मेरे लिए इस चैप्टर में रेलेवेंट होगा। टाइम पीरियड जीरो का मतलब बताओ बिगनिंग ऑफ ईयर वन, टाइम पीरियड वन का मतलब वन ईयर एंड, टाइम पीरियड थ्री का मतलब थर्ड ईयर एंड। क्लियर? तो कोई मेरे को बताओ
ये अमाउंट मुझे कब मिला, जीरो पॉइंट ऑफ टाइम पे या वन वन? ये वाला 10,000 फोर एंड ऑफ फोर बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ फोर मतलब फोर्थ ईयर है, फोर मतलब फोर्थ ईयर है। अब जरा दो मिनट और बोर्ड पर देखे, रुके, बाद में लिखना। मैंने यहां ईयर की मार्किंग दे दी, वन टू थ्री फोर। मैंने एक अमाउंट वाला कॉलम बना दिया, अमाउंट 10,000 30,000 20,000 10,000। मैं कुछ समझाने के लिए इसका टोटल भी करना चाहता हूं, 70 आई थिंक 70। अब कोई बोले आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए कितने परसेंट पर, लेट अस अज्यूम 10%। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक कॉलम बनाऊंगा पीवीएफ का, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का, दूसरा कॉलम बनाऊंगा प्रेजेंट वैल्यू का। ये मेरे पास बोर्ड पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 10% पर, ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर फोर, इनको मैं कॉपी कर रहा हूं, 0.909 0.826 0.751 0.683। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला देखिए, फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये फर्स्ट ईयर एंड है तो फर्स्ट ईयर एंड का अमाउंट फ्यूचर वैल्यू है, उसको अभी लेकर आना है, जीरो पॉइंट ऑफ टाइम पर लेकर आना है, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालें। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं कैलकुलेटर से, 10,000 इंटू 0.909 इक्वल्स टू प्रेस किया 9090, 30,000 इंटू 0.826 इक्वल टू प्रेस किया 24780 बच्चे। नेक्स्ट है 20,000 इंटू 0.751 इक्वल टू प्रेस करा, मैं बार बार बोल रहा हूं बेटे इंटू करना है, इक्वल टू प्रेस जरूर करना, इसका एक रीजन है अभी समझ आएगा। 10,000 इंटू 0.683 इक्वल टू प्रेस किया, जितनी बार आप इक्वल टू प्रेस करते हैं वो फिगर मेमोरी में चली जाती है, और अगर इन सबका टोटल करना हो तो एक ही बटन प्रेस करना है, जीटी, ग्रैंड टोटल, जीटी मैंने प्रेस किया, टोटल आ गया 55720 55720। क्लियर, कॉपी कर लीजिए। एनी अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू आपको 15% पर भी निकालनी है,
10,000 into 0.572 equals to 5720. 5720 सबको ऐड करना है, सिर्फ जीटी प्रेस करूंगा ऐड होकर आ जाएगा 50260 आई होप नोटिंग सब बच्चों की कंप्लीट है। अब सुने बच्चे, बोर्ड पर देख के समझेंगे हम, अब वो सीखने वाले हैं प्रेजेंट वैल्यू का मीनिंग, प्रेजेंट वैल्यू को समझने वाले हैं अब हम। कैलकुलेशन कंप्लीट है, सुने बेटे, ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रूपी वन है। जो आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करा है इस फार्मूले से, वो वन रूपी की प्रेजेंट वैल्यू देता है। सर ये वन रूपी की प्रेजेंट वैल्यू कब है? ये वन रूपी की प्रेजेंट वैल्यू है ईयर वन एंड वाला, ईयर टू एंड वाला, ईयर थ्री एंड वाला। एंड वाले का मतलब क्या है समझो, वन रूपी एट द एंड ऑफ ईयर वन या जीरो पॉइंट ऑफ टाइम पे 0.909। बात कर रहा हूं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो 10%, दोबारा सुनते रहिए, वन रूपी एट द एंड ऑफ ईयर वन या जीरो पॉइंट ऑफ टाइम पे मतलब बिगनिंग ऑफ ईयर वन 0.909। बात बराबर है, एक साल बाद एक रुपया मिले या आज की डेट में 90 पैसा मिले, बात बराबर है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। फ्यूचर वैल्यू में इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है, प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं होता। तो हमेशा फ्यूचर वैल्यू ज्यादा होगी और प्रेजेंट वैल्यू कम होगी। ये प्रेजेंट वैल्यू वन रूपी की है, बट वो वन रूपी वन ईयर एंड वाला है या टू ईयर एंड वाला है? टू ईयर एंड। इसका मतलब सेकेंड ईयर के एंड पे मुझे एक रुपया मिले या जीरो पॉइंट ऑफ टाइम पे मतलब दो साल पहले 0.826 मिले, बात बराबर। ये प्रेजेंट वैल्यू वन रूपी की है, बट वन रूपी कौन से वाला है? फोर्थ ईयर एंड वाला। इसका मतलब चार साल बाद मुझे वन रूपी मिले या आज की डेट पर चार साल पहले जीरो पॉइंट ऑफ टाइम पर मतलब बिगिनिंग ऑफ ईयर वन पर 0.683 मिले, बात बराबर है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो क्या सर इसका मतलब ये है, इस अमाउंट को मैं लू 10% चार बार ऐड करो तो मैं वन रूपी पर पहुंचूंगा? यस बेटे, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू भी तो निकाली जा सकती है। यहां से सर इसमें मैं 10% ऐड करूं तो वन आ जाएगा? चेक करता हूं मैं, ये कितना है 0.909। 10% ऐड करना है इनटू 1.10, 0.9999 आ रहा है। ठीक है, ये यही कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट वैल्यू का। हाँ जी, अगर इसमें वन की जगह फ्यूचर वैल्यू डाल दे तो प्रेजेंट वैल्यू नहीं है बेटे, इंटू हम कर रहे हैं ना फ्यूचर वैल्यू, तो वो अलग अलग पॉइंट की फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ ईयर की आगे जाते हैं एक रुपए की वैल्यू जीरो टाइम पे होगी और चौथे सेकेंड पे होगी, 10,000 की वैल्यू 10,000 अपने सही रेशियो पर एंस नहीं आ गया। नहीं आया, आपने 10,000 को भी एंड कर दिया जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट को एंड करना था। दोबारा सुनिए बेटे, अब हुआ क्या, हमें 10,000 वन ईयर एंड पर मिले या बिगनिंग ऑफ ईयर वन पे इतना पैसा मिल जाए, बात बराबर है। ये प्रेजेंट वैल्यू किस अमाउंट की है? 30,000 की है। 30,000 सेकेंड ईयर एंड पर मिले या जीरो पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना पैसा मिले, बात बराबर है। कब बराबर है? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू की आज की डेट में विदाउट इंटरेस्ट क्या वैल्यू चल रहा है।
कैलकुलेट कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। फ्यूचर वैल्यू गिवन होगी, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। 10 साल की फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, 10 ईयर के फैक्टर से मल्टीप्लाई करते रहो, ऐड करो फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पर आ। अब तीसरी चीज समझो, कैपिटल बजटिंग का चैप्टर समझो। देखो मैं इस क्वेश्चन को एक कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे हम बोले कि एक पर्टिकुलर बिजनेस है जिसमें आप 52,000 रुपीज इन्वेस्ट कीजिए, क्या कीजिए, इन्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट कब होगी, जीरो पॉइंट ऑफ टाइम पर। कितने पॉइंट ऑफ टाइम पे, जीरो। जीरो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ ईयर वन। आपको बिगिनिंग ऑफ द ईयर वन पर एक बिजनेस में 52,000 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं। बिजनेस की इंफॉर्मेशन आपके पास है, लाइफ रहेगी 4 ईयर। लाइफ क्या रहेगी, 4 ईयर। 4 ईयर तक आपको जो अमाउंट मिलेगा वापसी वो ये, फर्स्ट ईयर एंड में कितना, 10, सेकेंड ईयर एंड में 30, थर्ड ईयर एंड पे ये, फोर्थ ईयर एंड पे। तो आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे ये डिसाइड करना है। पहला पॉइंट, आप कहते हैं 52 इन्वेस्ट करेंगे, जो मिला उसका टोटल है 70। आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि आपका 52,000 कितना बनकर वापस आ रहा है, 70,000। अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करते हैं तो आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी या इंटरेस्ट को इग्नोर कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं आपके 52,000 की कोई कॉस्ट ही नहीं है। 52,000 आपने लोन नहीं लिया, मतलब कि किसी को इंटरेस्ट नहीं देना, या आप कह रहे हैं ये 52,000 मेरा अपना पैसा है, मेरा अपना पैसा, कोई मुझे रिटर्न नहीं देगा। ठीक है, इसका मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट की कोई कॉस्ट नहीं है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करो, आप ऐसे डिसीजन। बट अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझते हैं और बोलते हैं अगर 52,000 मैं इस बिजनेस में इन्वेस्ट ना करूं तो बैंक में रखूंगा और बैंक मुझे 10% इंटरेस्ट देगा। बैंक मुझे कितना इंटरेस्ट देगा बच्चे, 10%। तो आपका डिसीजन 70 और 52 को कंपेयर करके नहीं होगा, 52 और प्रेजेंट वैल्यू है 10% को कंपेयर करना है। किस चीज को कंपेयर करना है, 10% की प्रेजेंट वैल्यू को। आप क्या करेंगे, जितना पैसा मिल रहा है उसकी डिस्काउंटिंग करना है, जीरो पॉइंट ऑफ टाइम पे वैल्यू निकालो। अब आप कहेंगे कि मैंने आज जीरो पॉइंट ऑफ टाइम पे 52 लगाया, जो मुझे फ्यूचर में मिलेगा उसकी आज की वैल्यू 55 है, तो मेरा 52 55 बन गया। अच्छा या बुरा, अच्छा, इन्वेस्ट करोगे। अगर आपके इस पैसे की कॉस्ट 15% है तो आप इस अमाउंट को कितने परसेंट से प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, 15% से। और आप बोलोगे मैंने 0.9 पे 52,000 लगाए और जो मुझे मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 50,000। 52 लगाए, 50 बन गए, अच्छा या बुरा, बुरा। आप इन्वेस्ट नहीं करो, एक मिनट, आप इन्वेस्ट नहीं करो। ये डिसीजंस हैं, दोबारा सुनिए। आपने इन्वेस्ट करा 52, आपको जो मिला ये अमाउंट था, इससे तो कंपेयर नहीं करना, क्यों, टाइमिंग डिफरेंस है, ये डिफरेंट टाइम पे मिल रहे हैं और ये डिफरेंट टाइम पर, इस पैसे की कुछ कॉस्ट होती है। सर मैंने लोन नहीं लिया, मेरी कॉस्ट नहीं है, नहीं बेटे फिर भी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ये आपका अपना पैसा है, बट अगर आपका अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं होगा तो या तो आप किसी और को लोन दोगे या बैंक में रखोगे, इंटरेस्ट तो आएगा ना, पैसा कुछ पैसा कमाकर देगा। तो हर पैसे की कॉस्ट तो है, हर पैसे से इनकम तो मिलती है, चाहे बिजनेस करो या ना करो। इसीलिए इन दोनों का कंपैरिजन तो मीनिंगफुल नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मीनिंगफुल नहीं है। तो आप ये देखोगे इस पैसे की कॉस्ट कितनी है, अज्यूमिंग 10%, तो जो आपको अमाउंट मिल रहा है, डिफरेंट टाइम है ना,
इन सब का एक ही टाइम लेना है, एक ही टाइम लेना है। और बेटर क्या है, सबको जीरो पॉइंट ऑफ टाइम पे ले, ये ऑलरेडी जीरो पर है, इन सबको जीरो पॉइंट ऑफ टाइम पे ले आओ और फिर कंपेयर करो, मीनिंगफुल कंपेयर। क्या सर हम ऐसा कर सकते हैं, इसको फोर्थ ईयर एंड पर ले जाए, इसको भी फोर्थ ईयर एंड, फोर्थ ईयर एंड, फोर्थ ईयर एंड, तब कंपेयर करें, कर सकते हो। कंपेरिजन के तो बहुत सारे बेस हैं, सबसे अच्छा कंपेरिजन का बेस क्या है, जीरो पॉइंट ऑफ। सारी चीज को कहां पर लेकर आ बच्चे, जीरो पॉइंट ऑफ टाइम पर, ये सबसे अच्छा बेस है कंपेरिजन। अदरवाइज बहुत सारे कंपेरिजन के बेस हैं, आपको सर सबको फर्स्ट ईयर एंड कर दें, इसको आगे लेकर जाएंगे, इन तीनों को पीछे लेकर आएंगे, ये एज इट इज रेंट वो भी कर सकते, बट करना क्या है, जीरो पॉइंट ऑफ टाइम पे ला, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, यही प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, फिर डिसीजन। गेटिंग माय पॉइंट? अब बेटे इतनी डिस्कशन के बाद मेरी तरफ से कॉन्सेप्ट वन कंप्लीट है, आपको क्या क्या समझना है बेस लेवल पर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी भी अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, सिंपल अमाउंट मल्टीप्लाइड विद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, फिर ये सीखते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे आता है, और भी सिंपल है, 1 डिवाइडेड बाय 1.i टू द पावर n, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर आई, क्लियर? कोई क्वेश्चन इसमें सर, 75,720 आई है, हाँ जी, एक तरीके से 70,000 का 0.10 वैल्यू है, बिल्कुल, ये इस पूरे 70,000 की प्रेजेंट वैल्यू है 0.10, एक साथ नहीं निकाल सकते, 70 को एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि 70 में अलग अलग टाइम पीरियड है, मैंने अज्यूम करा बेटे, मैंने अज्यूम करा समझाने के लिए कि अगर आपने ये पर्टिकुलर आपका बिजनेस है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है 52,000 और ये अमाउंट आपको मिलेगा, ये समझाने के लिए मैंने अज्यूम करा। इसमें इस केस में हम करेंगे बिजनेस, इस केस में हम बिजनेस नहीं करेंगे, क्योंकि आपने जो इन्वेस्ट करा वो आपका कितना अमाउंट बन गया, 55, ज्यादा बन गया अच्छी बात है, आपने जो इन्वेस्ट किया यहां पर आपका कितना अमाउंट बन गया, 50, कम बना बुरा है, क्लियर है? दोबारा बोल बेटे, रेट ऑफ रिटर्न करेंट मार्केट प्राइस ज्यादा, रेट ऑफ रिटर्न रेट इंटरेस्ट की बात करो ना बेटे, रेट ऑफ रिटर्न और करंट इंटरेस्ट रेट, ये सारी सारी चीजें टेक्निकल है, हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में सीखेंगे आराम आराम, अभी मैं कुछ कंक्लूजन में आना नहीं चाहता। 3,000 मिल जाएगा, मिल जाएगा, क्लियर? सेकेंड लिखिए जी कॉन्सेप्ट नंबर टू, देखो बेटे कॉन्सेप्ट नंबर टू, कैश इनफ्लो, ये सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, सुनिए। जब भी हम किसी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेते हैं, एक होता है आउटफ्लो, जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया, यहां पर मैंने भी लिखा था कितना याद है, 52,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद उस बिजनेस ने हमें वापसी कितना दिया, ये अमाउंट था, मैंने यह इंटेंशनली अमाउंट लिखा था। जब भी हम एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इवेल्युएट करते हैं तो इस अमाउंट का मतलब क्या सेल है, प्रॉफिट है या कैश इनफ्लो है, ये हमें सीखना है। तो इन अमाउंट का मतलब कैश इनफ्लो होता है, इन अमाउंट का मतलब सेल नहीं होता और प्रॉफिट भी नहीं होता, इन सारे अमाउंट का मतलब क्या होता है, कैश इनफ्लो।
तो जब भी हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हैं तो किस चीज को इम्पोर्टेंटली कैलकुलेट करते हैं? कैश इनफ्लो, क्योंकि इवेल्युएशन कैश इनफ्लो के बेसिस पर होता है। तो लिखिएगा, ऑल कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर टू बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ ऑल कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर टू बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ कैश इनफ्लो विच इज ऑल्सो कॉल्ड कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा CIFO, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट लाइन, कैश इनफ्लो आर कैलकुलेटेड बाय प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट एंड टेकिंग ओनली टू आइटम्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट। नेक्स्ट लाइन, कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट लाइन, फॉर एग्जाम्पल, बड़े बोर्ड पर एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करें, बाद में नोट करना, ध्यान दीजिए सारे स्टूडेंट। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है? हमने सामान पूरे साल में सेल करा 5 लाख रुपीज का, इस सामान को सेल करने के लिए कुछ खर्चा किया गया होगा, मैं लेस कर रहा हूं उन सारे खर्चे को, मेटीरियल, लेबर, ओवरहेड, इन सारे खर्चे का टोटल मैं अज्यूम कर रहा हूं 3 लाख। मेरे अजम्पशन है इस ओवरहेड में एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है, तो हमारा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन कितना आ गया बच्चों? 2 लाख। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन में पहले मैं माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन, पहले हम क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन। मेरे फोन पे बात आने वाली, डेप्रिसिएशन की फिगर अज्यूमिंग 50,000 है, हमें मिला प्रॉफिट बिफोर टैक्स 150। अब हम टैक्स माइनस करेंगे, अज्यूमिंग टैक्स का रेट 40% है, सिक्सटी थाउजेंड आता है ना, 150 का 40%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 90,000। अब देखो, क्या ये कैश इनफ्लो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है? नहीं। इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या ऐड करें? ऐड कीजिए
होती है डेप्रिसिएशन। ऊपर से डेप्रिसिएशन लेना कितना था डेप्रिसिएशन 50,000 ऐड कर दो, ये जो अमाउंट आया 1,40,000 ये और कुछ नहीं कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है। अब बच्चे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर डेप्रिसिएशन हमने माइनस करा डेप्रिसिएशन हमने प्लस करा, हम क्या ये स्किप कर सकते हैं माइनस भी ना करें और प्लस भी ना करें? नहीं कर सकते, करना ऐसा ही है। अगर स्किप करोगे तो टैक्स में गलती आएगी, करके देखते हैं एक लाइन में 2 लाख डेप्रिसिएशन को स्किप करा ये 2 लाख 40% टैक्स दे दिया 80,000 टैक्स गलत आया तो कैश इनफ्लो गलत आएगा। चेक कर लेते हैं 120 डेप्रिसिएशन को स्किप कर रहे हैं, क्या ये कैश इनफ्लो सही आ रहा है? नहीं, तो डेप्रिसिएशन को स्किप करना बनता ही नहीं। एक ही रूल है कैश इनफ्लो निकालने का, आराम आराम से इनकम स्टेटमेंट बनाओ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक जाओ डेप्रिसिएशन ऐड बैक करके वापस आना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक जाइए डेप्रिसिएशन ऐड बैक। मैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे इसीलिए इंफेसिस कर रहा हूं, रीजन समझ लो। कैश फ्लो की टेक्निक ना इतनी आसान है कि आप समझ नहीं सकते कि सर ये तो बहुत ही आसान चैप्टर है, बट प्रॉब्लम एक आती है बच्चों को कैश इनफ्लो के लिए क्वेश्चन में दे देता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बच्चे इसी फिगर को लेकर क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। सही या गलत? गलत, क्योंकि कैपिटल बजटिंग में प्रॉफिट नहीं लेना होता, क्या लेना होता है कैश इनफ्लो। जिसको ये बात आज समझ आ गई और अंत तक याद रहेगी वो कभी चैप्टर में गलत नहीं करेगा। क्लियर है? हाँ जी बच्चे, डेप्रिसिएशन ऐड क्यों करते हैं कैश इनफ्लो में? ये तो हम कैश बजट कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ते हैं, नॉन कैश आइटम है इसलिए। ये कौन सा आइटम है बच्चे? नॉन कैश आइटम है इसलिए, इससे कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ। डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंस है जिससे कैश नहीं जाता, बट फिर माइनस क्यों करते हैं सर? टैक्स में बेनिफिट मिलता है, पहले माइनस करो नॉर्मल लेवल पे प्रॉफिट बढ़ाओ ऐड कर दो। सर जो हम लोग को फायदा हुआ है डेप्रिसिएशन का वो 40% ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं होता, वो 40% ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं होता। हाँ वो 40% ऑफ डेप्रिसिएशन ही है, 30,000 आफ्टर टैक्स। तो जो हम लोग को बेनिफिट हुआ है वो 40% ऑफ बेटे, वो तो टैक्स बेनिफिट है डेप्रिसिएशन की वजह से, वो तो यहाँ आ गया टैक्स बेनिफिट। पहले हम टैक्स कितना देते हैं 80, अगर डेप्रिसिएशन नहीं होता, अब डेप्रिसिएशन है तो टैक्स कितना दिया 60, तो आ तो गया बेनिफिट, तो बेनिफिट 20,000 का वो बेनिफिट ले लिया हमने प्रॉफिट में, बट डेप्रिसिएशन माइनस करने से क्या कैश का आउटफ्लो होगा? नहीं बना, तो कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ वो 50 भी ऐड कर दिया। नोटिंग कंप्लीट बच्चों, नोटिंग कंप्लीट बच्चों। तो मुझे मैंने पॉइंट था टीवी और सटा क्लास के बाद
मॉडर्न टेक्निक्स का मतलब है ये सारी टेक्निक टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। मतलब पीवी फैक्टर को यूज करेंगी, प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ट्रेडिशनल टेक्निक का मतलब है नॉट यूज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसका मतलब ये सारी टेक्निक टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यूज करेंगे ही नहीं, यहां पर हम पीवी फैक्टर की बात भी नहीं करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट भी नहीं करेंगे। तो दो तरीके की कैपिटल बजटिंग में टेक्निक्स हैं जो हमें सीखनी है। फर्स्ट टेक्निक यहां डिस्कस करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। मॉडर्न टेक्निक में पहली टेक्निक का नाम है नेट प्रेजेंट वैल्यू। सेकंड टेक्निक हमारी हो जाएगी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। थर्ड टेक्निक हमारी हो जाएगी डिस्काउंटेड पी बैक पीरियड। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। फोर्थ टेक्निक हम लोगों की हो जाएगी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ट्रेडिशनल टेक्निक में फिफ्थ नंबर टेक्निक हमारी हो जाएगी पे बैक पीरियड। सिक्स नंबर टेक्निक हो जाएगी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो बेटे कैपिटल बजटिंग चैप्टर का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है टेक्निक से और टेक्निक खत्म होते ही खत्म हो जाए। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग है, इसके खत्म होते ही हमारा 40% चैप्टर होगा। रेस्ट 60% चैप्टर इससे आगे जाता है जिसमें रिप्लेसमेंट डिसीजन आते हैं, न्यू प्रोजेक्ट इवेल्युएशन आता है और सारी नई नई टेक्निक्स नई नई चीजें आती हैं। टेक्निक तो यही रहेगी। तो टेक्निक खत्म होते ही हमारा 40% के करीब लेंथ वाइज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल कितनी टेक्निक्स हमें एक एक करके सीखनी है, सिक्स टेक्निक्स सीखनी है। तो लिखते हैं फर्स्ट टेक्निक आज की क्लास के लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू। नोटिंग हो गया चार्ट।
नहीं आती है बेटे, ट्रेडिशनल टेक्निक भी पेपर में आती है। लेकिन नेट प्रेजेंट वैल्यू फर्स्ट टेक्निक अब डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, नेट प्रेजेंट वैल्यू लिखिएगा, इट इज सरप्लस ऑफ, इट इज सरप्लस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ओवर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। नेक्स्ट लाइन, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। नेक्स्ट लाइन, नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव, थोड़ा सा स्पेस छोड़कर लिखेंगे एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम प्रोजेक्ट को क्या करेंगे राजे, एक्सेप्ट करेंगे। सोच के देखो ये वाली फिगर पॉजिटिव कब आएगी, जब इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आउटफ्लो। आउटफ्लो रिप्रेजेंट करता है इतना पैसा लगाया, इनफ्लो क्या रिप्रेजेंट करता है, जो पैसा लगाया उसकी कॉस्ट पर, उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपने इनफ्लो को डिस्काउंट करा तो ये प्रेजेंट वैल्यू। जब कॉस्ट और आउटफ्लो दोनों रिकवर हो गया तो इसका मतलब हमारे लिए अच्छा है, पॉजिटिव बच गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। आप बताओ नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव का मतलब क्या ज्यादा है, क्या ज्यादा है, आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है किससे, इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू से, तो रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो पहले डिसीजन लिखिए, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अब समझना बेटे, जब नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो होती है इसका मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो और इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू बराबर है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए ये सिचुएशन पे डिपेंड करे। सर एक्सेप्ट क्यों करना चाहिए, समझो आउटफ्लो भी रिकवर हो रहा है और आउटफ्लो की कॉस्ट भी रिकवर हो रही है, आउटफ्लो भी रिकवर हो रहा है और आउटफ्लो की क्या रिकवर हो रही है, कॉस्ट। अगर आप प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं और आउटफ्लो आपके पास ही रहता है तो कॉस्ट का बर्डन तो है ना, और ये प्रोजेक्ट ऐसा था जो आपकी कॉस्ट को रिकवर कर रहा, आपने एक्सेप्ट नहीं करा। रिजेक्ट कब करना चाहिए, जब आपको लगता है कि इन नियर फ्यूचर 10 दिन 15 दिन एक साल के अंदर अंदर नया प्रोजेक्ट आ जाएगा और वहां हम इन्वेस्ट करके ज्यादा कमाएंगे तो इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करो, क्योंकि सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं। अगर आज आपने इसको यस बोला तो अप्रोक्सीमेटली 3-4 साल के लिए आपका पैसा ब्लॉक हो गया, बट ब्लॉक होने के बाद भी कॉस्ट तो रिकवर हो रही है ना, आपको लगता है कि फ्यूचर में नया प्रोजेक्ट आने ही नहीं वाला,
तो आप इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लो, एटलीस्ट कॉस्ट तो रिकवर होगी। रिजेक्ट करते हो, आगे नया प्रोजेक्ट नहीं आया, पैसा आपका आपके पास है, कॉस्ट तो इनका हो ही नहीं है, कॉस्ट भी रिकवर। कॉस्ट का मतलब पैसे की कॉस्ट, अगर लोन का पैसा है तो इंटरेस्ट की कॉस्ट, अपना पैसा है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। गेटिंग माई पॉइंट? तो फर्स्ट पॉइंट इज ओवर, सेकेंड सेकेंड लिखेंगे बेटे, सेकेंड मेथड में यहां पर लिख रहा हूं, चलो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में लिखिएगा, इट रेफर्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, इट रेफर्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जनरेटेड ऑन रुपी वन ऑफ कैश आउटफ्लो। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। क्लियर? नेक्स्ट लाइन, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन वन। बताओ एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट या रिजेक्ट? एक्सेप्ट। ग्रेटर देन वन का मतलब है ऊपर ज्यादा है, इनफ्लो ज्यादा है तो अच्छी बात है ना, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लेस देन वन, रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इक्वल टू वन, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। दो टेक्निक कंप्लीट। बोर्ड पर देखना, किसी भी अमाउंट की आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना आता है? फ्यूचर वैल्यू गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे? फ्यूचर वैल्यू इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। क्या आपको अगर प्रॉफिट गिवन हो तो कैश इनफ्लो निकालना आता है? मैं कहता हूँ क्वेश्चन में सेल गिवन है, सारे एक्सपेंस गिवन है, टैक्स का रेट गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है। दोबारा, सेल गिवन है, सारे एक्सपेंस गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, टैक्स का रेट गिवन है। इनकम स्टेटमेंट बना, सेल सारे एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन पर आना, लेस डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर, लेस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दोबारा ऐड क्या करोगे? डेप्रिसिएशन करना है। तो कैश इनफ्लो भी मालूम, सारी चीजें मालूम है तो आराम से सॉल्यूशन निकालना। 99% जो फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन होगी वो कैश इनफ्लो। सिर्फ दो बार एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे आए हैं, दो बार आए हैं सिर्फ, प्रॉफिट की फिगर नहीं थी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, टैक्स का रेट दिया था और डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में थे, टैक्स माइनस करना था और डेप्रिसिएशन ऐड करना। क्लियर है?
एक एग्जांपल कर लेते हैं, छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल है जिसमें दोनों टेक्निक मेरी तरफ से आज कंप्लीट हो जाए। देखिए ये एग्जांपल, एग्जांपल कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मैक्स 9 कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 3 लाख, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 3 लाख, लाइफ 4 इयर्स, हियर कैश इनफ्लो, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 1 कैश इनफ्लो 2 लाख, ईयर 2 1 लाख, ईयर 3 70,000, ईयर 4 50,000। नेक्स्ट लाइन में, लास्ट लाइन में रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्लिक डिस्काउंटिंग रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्लिक डिस्काउंटिंग रेट ऑब्लिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑब्लिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑब्लिक मिनिमम रिक्वायर्ड रेट 10%। बेटे हर क्वेश्चन में ये कहना चाहता है कि लिखा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनमें से कोई भी वर्ड हो सकता है और एक नया वर्ड भी आ सकता है। अगर जो रेट जो परसेंटेज दिया है वो भी ले लेंगे, इंटरेस्ट रेट भी कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हैं, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हैं। तो देखो बेटे इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं टेक्निक्स। हम एक फॉर्मेट आपको जीरो लेवल से समझा रहे हैं कि हर क्वेश्चन चाहे वो रिप्लेसमेंट का हो या आगे कहीं का हो, जो भी क्वेश्चन हो इस फॉर्मेट में सॉल्यूशन लेकर आना। तो हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी फॉर्मेट में लेकर आना। लिखो जरा स्टेटमेंट, साथ साथ नोट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे पहले एक कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर के लिए, जो थोड़ा ब्रॉड कॉलम होगा पर्टिकुलर के बाद एक कॉलम बनाएंगे अमाउंट के लिए, हर अमाउंट का कोई पॉइंट ऑफ टाइम होता है, किस टाइम का ये अमाउंट है, तो एक कॉलम टाइम के लिए बनाएंगे टाइम। दो कॉलम अभी और बनने हैं, सिर्फ दो कॉलम। नेक्स्ट कॉलम होगा पीवी फैक्टर एट अ रेट ऑफ 10%। लास्ट कॉलम रहेगा प्रेजेंट वैल्यू। आई रिपीट वंस अगेन कॉलम की हेडिंग्स, फर्स्ट पर्टिकुलर, नेक्स्ट अमाउंट, हर अमाउंट का रिलेशन एक टाइम पीरियड से है, तो टाइम का कॉलम, टाइम के रिस्पेक्ट में ही पीवी फैक्टर आएगा।
टाइम के बाद कॉलम कैरेक्टरिस्टिक का पीवी फैक्टर का, पीवी फैक्टर और अमाउंट को जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे कौन सा कॉलम आ गया, प्रेजेंट वैल्यू का। क्लियर? यहां लिखेंगे पर्टिकुलर में नंबर वन, हेडिंग डालेंगे कैश आउटफ्लो, बेटे सॉल्यूशन का ये फॉर्मेट आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला है। मेरी रिक्वेस्ट है क्वेश्चन चाहे जहां मर्जी से करिए फॉर्मेट ये रखिए, ठीक है। मैं शुरू से लेकर आखिरी तक अपने क्वेश्चंस को सबको इसी फॉर्मेट में लेकर आऊ, तो आप भी बेटर है यही फॉर्मेट अडॉप्ट कीजिएगा, बेटर रहेगा। सबसे पहले कैश आउटफ्लो लिखा, कैश आउटफ्लो में पॉइंट नंबर ए कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, आगे चलकर एक से ज्यादा आउटफ्लो आएंगे, अभी नहीं बता सकता बट आएंगे, इसीलिए फॉर्मेट थोड़ा थोड़ा आगे लंबा होता जाएगा। कोई बताए इस ओरिजिनल क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना है? 3 लाख। अमाउंट वाले कॉलम में मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे लिख दो 3 लाख। आप मुझे बताएंगे 3 लाख इनकर्ड कब हुआ, टाइम क्या है? जीरो। जीरो का मतलब बिगिनिंग ऑफ ईयर वन, टाइम पीरियड में लिखो जीरो। जीरो पॉइंट ऑफ टाइम मतलब बिगिनिंग ऑफ ईयर वन। अब ये समझो आज की डेट में 1 रुपए की वैल्यू 1 ही है, न कम न ज्यादा। 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 1। इसी कारण से जीरो पॉइंट ऑफ टाइम का पीवी फैक्टर हमेशा 1 होता है, क्योंकि 1 रुपए की वैल्यू कितनी? 1, न कम न ज्यादा। तो पीवी फैक्टर 1 लिखिएगा। ठीक है, आती है बात समझ? अमाउंट इनटू फैक्टर, ये अमाउंट है, फैक्टर यहां पर है, इनटू करिए तो ये आ गया 3 लाख। टोटल कर दीजिए 3 लाख। इस टोटल को यहां पर लिखकर डिनोट कीजिएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, मार्क कीजिएगा ए से। इस टोटल को ए से डिनोट कर देंगे, ए है। देखिए अगर लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं तो कोशिश करूंगा अब अगर ये लाइन यहां तक ड्रॉ हो जाए तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज बीच में लाइन ड्रॉ करने की मुझे तो जरूरत नहीं है बहुत बार, ठीक है। इसके बाद इसी स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट कैश इनफ्लो, इसी स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट के बाद ये लाइन ऐसे कॉन्टिन्यू रहेगी। सेकंड पार्ट क्या है? कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो में पॉइंट नंबर ए लिखेंगे CIFO। CIFO को रीड करके बताइएगा, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। बताओ टाइम पीरियड कितना है यहां पर क्वेश्चन देखकर? 1, 2, 3, 4, 5 भी है क्या? 1 से लेके 4 तक। 1 मतलब फर्स्ट ईयर एंड या फर्स्ट ईयर बिगनिंग? सेकेंड मतलब? तो देखो इसके आगे टाइम पीरियड में मैं लिख रहा हूं 1, 2, 3, 4। 4 लिखने के बाद ये टोटल वाले यहां लाइन पर टाइम पीरियड लिख दिया। इस 1 से पहले मुझे अमाउंट चाहिए, दैट इज कैश इनफ्लो। पढ़ना जरा, कैश इनफ्लो ईयर 1 का कितना? 2 लाख लिख दिया। ईयर 2 का बेटे? ईयर 3? 70,000। ईयर 4? 50,000। कभी कभी होता क्या है, एग्जामिनर
ईयर थ्री का या कोई बीच वाले ईयर का कैश इनफ्लो देता ही नहीं, तो आपको ईयर क्रॉस नहीं करना, टाइम लाइन सेम रहेगी और उसके आगे जीरो लिखना है, क्योंकि जब कैलकुलेटर से पीवी फैक्टर निकालोगे तो सीक्वेंस में निकलेंगे, तो टाइम लाइन को क्रॉस मत करना, इसीलिए टाइम लाइन पहले लिखी जा रही है। बट ये 10% में पीवी फैक्टर मैंने लिखकर दिए थे अभी आपको, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं वहीं से कॉपी कर रहा हूँ, कैलकुलेट नहीं कर रहा। 0.909, 0.826, 0.751, 0.683। अब करना क्या है, सबको मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। 2,02,909 = 181,800। कोई अमाउंट ना बोले, मैं अपने आप कैलकुलेट कर लूंगा, कोई गलत हो बीच में मेरा कैलकुलेशन तो आप जरूर बोलिएगा। 82,600, 70,000 × 0.751, 52,570, 50,000 × 0.683, 34,150। GT प्रेस कर दो मैं, टोटल आएगा E5110, 35110, sorry, 35120। इसको हम मार्क करेंगे, यहां लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, इसको मार्क करेंगे बी से, यहीं पर इसी स्टेटमेंट के नीचे मैं निकालना चाहता हूं नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला बी माइनस ए लिख दो तो चलेगा, क्या होता है फार्मूला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, बी में है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, ए में है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, माइनस करते हैं और यहां सीधा आंसर लिख दें 51120 जो है। इसी के नीचे मैं चाहता हूं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना, फार्मूला क्या दू, बी डिवाइडेड बाय ए, बी डिवाइडेड बाय ए ना करते हैं जी, बी में है 3,51,120 डिवाइडेड बाय 3 लाख, यार है 1.1704, 1.1704। क्लियर एंड कंप्लीट, आज की क्लास यहां पर ओवर। नेक्स्ट क्लास तक सबको बेटे रिसेप्शन से बुक इश्यू हो जाएगी, तो आप बुक लेकर आइएगा नेक्स्ट क्लास में।